हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 12th में हमने देखा था कि व्हाट इज़ करेंट, धारा क्या होता है, और उसका हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेंट डेंसिटी। क्या है करेंट डेंसिटी? देखो, जब तुम हायर क्लास में जाओगे यानी कि 12th के बाद जब तुम फिजिक्स ऑनर्स लोगे या फिर तो तुम इंजीनियरिंग के अंदर जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें एक चीज मिलेगा कि जो करंट का जो वैल्यू है ना उसके कंपेयर में करंट डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की बात करते हैं तो हायर स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हें करंट के कंपेयर में करंट डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो हमारे क्लास में करंट को इम्पोर्टेंट दिया गया है ताकि हम आगे जो चलने वाले हैं उसमें हमें पढ़ना है ओम्स लॉ पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, वेस्टर्न ब्रिज के सर्किट्स पढ़ने हैं, तो वहां पे हमें करंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन हायर स्टडी में तुम करंट की जगह पे ज्यादातर इंपॉर्टेंट दोगे किसको? करंट डेंसिटी को। तो बेसिकली करंट डेंसिटी क्या होता है, उसके पहले हम आ जाते हैं करंट पे थोड़ा सा। करंट क्या था? अगर सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टिंग वायर में से एक क्रॉस सेक्शन हम ले लें तो इस क्रॉस सेक्शन में से जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं यानी कि जितना चार्ज फ्लो हो पा रहा है यहां पे, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस होके आ रहे हैं, ठीक है, तो टी टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है सपोज करो वो क्यू था जो हमने लास्ट देखा था, तो इसी क्रॉस सेक्शन में से वन यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज फ्लो होगा वो हमारा था क्या? करंट, है ना। अब देखो, अब ये क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है? अगर ये कंडक्टर है तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हमने यहां पे शो किया है, ये क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये कंडक्टर है तो इसमें ऐसे 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 कोई भी डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो इस क्रॉस सेक्शन में से कहां से, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, यूनिट टाइम में से फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने कहा करंट। क्या कहा हमने? करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमने फॉर्मूला डिराइव किया, हमने यूनिट देखा कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। तो करंट डेंसिटी क्या है? तो सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है जैसे हमने यहां पे शो किया है, ये कंडक्टर के ये पूरे क्रॉस सेक्शन में से यानी कि सपोज ए क्रॉस सेक्शन में से कितना, ए क्रॉस सेक्शन में से सपोज करो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, कितने में, तो ए क्रॉस सेक्शन की जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो कितना है, सपोज ए है, और उसमें से फ्लो होने वाला करंट का अमाउंट है कितना, सपोज आई, तो क्रॉस सेक्शन में फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट सपोज करो कितना है, आई है। अगर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन ले लें मींस वन स्क्वायर यूनिट अगर मैं ले लूं तो इस वन स्क्वायर यूनिट में से फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट कितना होगा, आई बाई ए, कितना हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा। तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शन में से फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ करंट को ही हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? करंट डेंसिटी। तो बेसिकली जब भी हम डेंसिटी का नाम सुनते हैं तो हमारे ख्याल में एक ही चीज आता है, इन पर यूनिट वॉल्यूम। बट तुमने 11th में तुमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो सिर्फ उसी के ही, मतलब सिर्फ वॉल्यूम के कंपेयर में ही डेंसिटी को हम नहीं फाइंड, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नहीं फाइंड करते हैं या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं फाइंड करते हैं, हम कई बार लिनियर में, एरिया में और वॉल्यूम में अलग अलग कैटेगराइज करके हम क्या करते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो यहां में से, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक कंडक्टर के सरफेस एरिया में यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक यूनिट टाइम में कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में से, उसी को हम क्या कहेंगे यहां पे, करंट डेंसिटी।
तो प्रेजेंट किससे करेंगे? तो जैसे अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है, आई बाई ए, ठीक है। तो बेसिक जो है हम उसको स्केलर फॉर्म में फिलहाल देख रहे हैं, तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर माइनस टू, या इसका तुम डायमेंशन देख सकते हो एम एल टी ए, तो तुम्हें मिलेगा एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो ए वन। तो ये उसका क्या हो गया, डायमेंशन। अब इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं। तो देखो, अभी अभी मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, लेकिन चाहे वो क्रॉस सेक्शन ये कंडीशन में हो या ये कंडीशन में, तुम्हें एक चीज यहां पे दिख रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल फॉर दिस पॉइंट एंड ऑल्सो दिस पॉइंट। सपोज एक पॉइंट है ए और ये क्रॉस सेक्शन है, ये पॉइंट है बी, ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन ए में से यानी पॉइंट ए में से फ्लो होने वाले अमाउंट का करंट, सॉरी अमाउंट ऑफ करंट, और बी क्रॉस सेक्शन में से फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट, इन दोनों कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो कैसा है, वो इक्वल है, लेकिन डिफरेंट क्या है, और करंट का डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ है ना, क्योंकि करंट हमेशा क्रॉस सेक्शन में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यहां पे है, यहां पे इसको मैं कह सकता हूं कैसा परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कंडीशन में परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद होगा द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ए सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर फाइंड करूंगा तो सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, इस सरफेस के बाहर की ओर परपेंडिकुलर, ऐसे अगर ये सरफेस है तो ये हो गया एरिया वेक्टर, याद है ना आपको, अगर ऐसा सरफेस है तो ये, अगर ऐसा रखता हूं सरफेस थीटा एंगल पर जैसे ये है, तो अगर ऐसे रख देते हैं तो ये एरिया वेक्टर होगा। तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर हो गया ये, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस बार करंट और ये सरफेस का एरिया जो है इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब है कि ये जो डेंसिटी है वो कैसा क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सपोज करो कि ये पूरा ना लेके अगर इसमें हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, ये सपोज कि ये छोटे से पार्ट का सरफेस एरिया है डी ए, तो हमें क्या मिलेगा, तो डी ए में से सपोज फ्लो होने वाला करंट कितना है डी आई, इस डी ए सरफेस में से सपोज फ्लो करने वाला करंट कितना है, तो सपोज करो वो डी आई है, तो मुझे क्या मिलेगा, जे इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर जे इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं कितना होगा, तो डी आई अपॉन डी ए, वेक्टर डी ए। सो मुझे क्या मिला, डी आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट डी ए, यही मिलेगा है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, तो डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा डी आई का तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो तुम्हें क्या मिलेगा, जे इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट है तो तुम्हें क्या मिलेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो तुम्हें मिलेगा जे इंटू ए, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम्हें क्या मिला, तो तुम्हें इक्वेशन मिलेगा जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। तो यूनिट क्या है इसका, यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो गया एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो ए वन। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर के क्या है, किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन में से फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ करंट है। तो हम उसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हो जाएगा द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के क्या है, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है, सपोज ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला जो चार्ज है
यूनिट टाइम में वो हो गया करंट, और इस यूनिट क्रॉस सेक्शन में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, करंट डेंसिटी। तो हमें क्या मिला, J इज इक्वल टू आई बाई ए, यूनिट मिल गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, थोड़ा हमने उसको डिराइव किया। और ये कौन सी क्वांटिटी है, तो याद रखना है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें फॉर्मूला मिला J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, या फिर तुम लिख सकते हो I इज इक्वल टू J इंटू ए। बेसिकली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि करंट के कंपेयर में करंट डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस क्वांटिटी से है। जैसे हमने यहाँ पे J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे आगे चल के, और ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन के लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, बाकी ये हमने खाली छोटा सा खाली इंट्रोडक्शन देखा, क्योंकि एक्चुअली में करंट डेंसिटी के बारे में हम न्यूमेरिकली एप्लीकेशंस देखेंगे जो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये जो है आई होप ये समझ में आएगा, और ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट डेंसिटी क्या है। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन है इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर आप ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बगल में रहे हुए बेल को भी क्लिक कर देना। शॉर्ट टॉपिक था, छोटा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और बगल में रहे हुए बेल को भी जरूर क्लिक करना, और लाइक तो बनता ही है।